जीजा जी, वो चेन्नई का प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने से पहले एक बार इंदौर और गुजरात पे नजर डाल दें। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ का भी सर्वे करवा लेते हैं। Then let's see how things progress. पापा, आप सम्राट को एक होटल खरीद दीजिए। क्या? होटल खरीद के देना? होटल? तानी, होटल क्या आप मेले में बिकने वाला गुब्बारा होता है कि हम उसको खरीद कर सम्राट को दे दें और वो सीधा खेलता रहे? What is wrong with you, तानी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मॉम मैं। पापा, सम्राट घर पे बैठ के क्या करेगा? वो कितना बोर हो जाता है। सम्राट काम करना चाहता है। उसे काम करना है तो करे, उसके लिए होटल खरीदने की क्या जरूरत है? भाई, आप जानते हैं ना कि सम्राट के पहले होटल्स थे। So he's very good in all this business. अगर आप उसे एक होटल खरीद देंगे तो वैसे चार नए होटल्स खड़े कर सकता है। He's very experienced, believe me. तानी, होटल खरीदना कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। It's a huge investment, और वो भी रनिंग होटल। तो क्या हो गया? और पापा, मैं जानती हूँ आपके पास पैसे हैं, तो आप प्लीज सम्राट को एक होटल खरीद दीजिए ना। तानी तानी, लगता है तुम्हें कोई बहका रहा है। ये झांसी नहीं है, ये मुंबई है, मुंबई। और तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तानी कि हम अगर एक ठीक ठाक रनिंग होटल खरीदने के लिए निकले तो वो कितने का आएगा? हाँ बेटा, तुम्हारा ये जो पर्स है, तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारी घड़ी है, इवन जो कार, उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये होटल। अंदाजा है ना तुम्हें इस बात का? हाँ पापा, प्लीज, आई रियली डोंट केयर अबाउट ऑल दिस। हाँ, और मैं कह रही हूँ ना, सम्राट को एक होटल खरीद दीजिए बस। बाप रे बाप, जरा बातें तो सुनो लड़की की। आई डोंट केयर। मेहनत करें जीजा जी और मेरे पति जी, और फायदा उठाए कोई और। गोरी होने का इतना गुरूर भी ठीक नहीं है तानी, कि जो मन में आया वो फरमा दिया। मैं काली हूँ लेकिन ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप क्यों नहीं कहते जी कुछ? आप कहिए। अरे पहले तुम तो चुप रहो। छोड़ो तानी, चुप के जिद मत करो, छोड़ो, रहने दो। ओके, ऐसे कैसे छोड़ दूं सम्राट? डॉल माय स्वीटहार्ट, रहने दो ना। क्यों रहने दो? हक क्या हमारा? हक? कैसा हक? सादा हक मामी जी। अगर मेरी शादी इस घर में हुई होती तो क्या पापा हमको दहेज नहीं देते क्या? राम राम तानी, कैसी बातें कर रही है? दहेज पाप ही नहीं, अपराध भी है। पर ये शब्द आए कहां से तुम्हारे मन में? कहां से आए शब्द? अरे मैं तो दहेज विरोधी हूं, वो भी खोर। अरे मैं उन शादी में शरीक तक नहीं होता जहां पे दहेज का लेन देन हो। नहीं सम्राट, लेकिन ये हमारा हक है। और अगर मैं सच कहूं तो तुमने इस घर का ना बहुत सारा पैसा बचाया है, क्योंकि अगर मेरी शादी यहाँ हुई होती ना तो पापा एक फैक्ट्री लगने भर तक का खर्चा तो डेफिनेटली करते हमारी शादी, है ना? तानी जो कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से पैसे बहाना बेवकूफी है, और वो भी उनमें। प्लीज अपनी ये फ्री एडवाइस देना बंद करो। और वैसे मैं तुमसे नहीं, अपने डैड से पैसे मांगी। तानी बिहेव योरसेल्फ और तमीज से बात करो उर्मी से। तानी, उर्मी बहू है इस घर की, और एक बहू होने के नाते इस घर के हर मामले में अपनी सलाह देने का उसे पूरा हक बनता है, समझी तुम? And by the way, वो जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। इस चुहिया ने भी पता नहीं क्या जादू किया है ससुर जी पे यार। इडियट हमेशा उर्मी का पक्ष लेता है। मेरे पिताजी भी ऐसे थे, उर्मी के भक्त। वो तो अच्छा हुआ मर गए, लेकिन ये बड़ा तंदुरुस्त दिखाई देता है यार, इसका क्या करें? डैड, उर्मी आपकी बहू है और मेरी कुछ नहीं लगती, तो उसे कहिए कि मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करे। डोंट बी स्टूपिड तानी। एक सम्राट की खातिर अपने हर रिश्ते को दांव पे लगाने पे तुली हुई हो तुम? डू यू हैव एनी सेंस? हाँ, और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, तुम्हारी कोई भी मांग, कोई भी नाजायज मांग,
पूरी नहीं कर सकते हम। और जहां तक सम्राट की बात है, तुम यही चाहती हो ना कि वो बिजी हो जाए, कुछ कुछ काम वगैरह करे? हाँ। तो ठीक है, कल से ये हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकता है, हमारे साथ काम करेगा ये। क्यों सम्राट? सच पापा, सम्राट आपके साथ काम कर सकता है? क्या कर रही है बेवकूफ, इस बात पे को फूल के कुप्पा हो रही है? तो क्या डिमांड लेके आई थी, क्या पाके खुश हो रही है बताओ यार? अभी हीरा लेने आई थी, कोयला पोत के जाएगी क्या?